दोस्तों मैं कार्तिकेश्वर पटेल एक बार फिर से आप सभी को मेरा पटेल क्लासेस में स्वागत है आइए आज का मेरा टॉपिक है फाइलम प्रोटोजोआ आइए प्रोटोजोआ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी याद करें आज मैं फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में आज आप लोग को कुछ जानकारियां दूंगा रोचक मैं जानकारियाँ पहला मैं आप लोग को बताऊंगा इंट्रोडक्शन प्रोटोजोआ का इंट्रोडक्शन दूसरा बताऊंगा इनके हिस्ट्री के बारे में हिस्ट्री और इनके बाद मैं बताऊंगा आप लोग को जनरल कैरेक्टर जनरल कैरेक्टर के माध्यम से आप प्रोटोजोआ फाइलम के जंतुओं को कैसे पहचान सकते हैं इनमें मैं आप लोग को जनरल कैरेक्टर के माध्यम से बताऊंगा और क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ फाइलम के अंतर्गत इनके क्लासिफिकेशन सब क्लास ऑर्डर सब ऑर्डर के किन किन मतों के बारे में अध्ययन किया गया वैज्ञानिकों के द्वारा इनके सभी जानकारियों को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा। क्लासिफिकेशन के बाद मैं आप लोग को दूंगा। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ जिसमें हम पढ़ेंगे इनके आर्थिक महत्व के बारे में प्रोटोजोआ हमारे दैनिक जीवन में यह हानिकारक भी है और लाभदायक भी है इसके बारे में मैं आज आप लोग को जानकारी दूंगा फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में आइए देखते हैं फाइलम प्रोटोजोआ आइए फाइलम प्रोटोजोआ का सबसे प्रथम पॉइंट देखते हैं इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन तो इंट्रोडक्शन में इनका प्रथम पॉइंट है इनमें देखते हैं इंट्रोडक्शन ऐसे सभी जंतु जिनका शरीर यूनिसेल्यूलर या नॉन यूनिसेल्युलर होता है फाइलम प्रोटोजोआ के सदस्य होते हैं इनका सरल संरचना के कारण इन्हें निम्नतम कोटि के तथा सृष्टि के प्रथम जंतु माने जाते हैं आइए प्रोटोजोआ का फुल फॉर्म देखते हैं प्रोटोज प्रोटोज का मतलब होता है फर्स्ट जोन का मतलब होता है एनिमल्स मानते हैं रचना में एक अकेली कोसा के समान सरल होते हैं होते हुए भी ये सुगठित मल्टी जंतुओं की तरह सभी प्रमुख जैव क्रियाएं करते हैं इसलिए इन्हें नॉन सेल्यूलर एंड ए सेल्यूलर जंतु कहना अधिक ठीक माना गया वैज्ञानिकों के आधार से अब तक फाइलम प्रोटोजोआ के जंतु लगभग पचास हजार जातियाँ प्राप्त किया गया है इनके आधार पर देखते हैं हम इनके ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में इनके प्रोटोजोआ आइए इनका प्रोटोजोआ के बारे में अगर देखते हैं हिस्ट्री के बारे में तो प्रोटोजोआ का प्रथम अध्ययन लिवेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने पंद्रह में अपने माइक्रोस्कोप की सहायता से किया गया था इन्होंने इन जंतुओं को माइक्रोस्कोपिक एनिमल इक्वल्स का नाम दिया उसके बाद गोल्ड फॉस नामक वैज्ञानिक ने 1822 में इस संघ को प्रोटोजोआ का नाम दिया इसके अध्ययन को प्रोटोजूलॉजी कहते हैं इसके आधार पर वैज्ञानिकों के आधार पर इनके हिस्ट्री के बारे में अध्ययन करने को मिला इसके आधार पर मैं आज आप लोग को ले चलता हूँ इसके तृतीय पॉइंट के बारे में जनरल कैरेक्टर के बारे में बताता हूँ जनरल कैरेक्टर आइए इनके जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं इनके प्रथम पॉइंट की तो इस जनरल कैरेक्टर के माध्यम से आप कैसे पहचानेंगे कि प्रोटोजोआ के जंतुओं को आइए देखते हैं जनरल कैरेक्टर के आधार पर प्रथम पॉइंट दिया गया है ये छोटे जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन से फाइव पॉइंट जीरो एम mm, एम प्राय माइक्रोस्कोपिक जंतु सामान्यतः बिना माइक्रोस्कोपिक की सहायता के दिखाई ना देने वाले जंतु इस फाइलम के अंतर्गत आता है इसके बाद दूसरा है एक कोशिकीय शरीर में कोशा द्रव्य से ही बनी विशिष्ट रचनाएं होती है जिन्हें ऑर्गन न कहकर ऑर्गन सेल्स से कहते हैं ये इनके दूसरा कैरेक्टर्स है इसीलिए प्रोटोजोआ को प्रोटोप्लाज्मी लेवल भी ऑफ़ बॉडी ऑर्गेनाइजम कहते हैं इसी प्रकार से इसमें प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजम्स कहते हैं इसके आधार पर इसके आधार पर हम देखते हैं तृतीय पॉइंट ये फ्री लिविंग सेम बायोटिक इम्यूनिटी सॉल एवं पैरासाइट्स जंतु इसके अंतर्गत आते हैं इनके आधार पर देखते हैं इनके चौथा टॉपिक तो चौथा ये एकल होते हैं अथवा ऐसे कॉलोनी बनाते हैं जिनमें सभी प्राणी समान एवं स्वतंत्र रूप से होते हैं और यहाँ पर पांचवा पॉइंट अगर इनकी बात करते हैं तो इनके शरीर में कोई सीमेंट्री नहीं होती और छठवें पॉइंट देखते हैं इनका शरीर नग्न होता है और पेली कील से ढका होता है किंतु कुछ में यह ब्राह्य कंकाल भी होते हैं जिसे खोल या टेस्ट कहते हैं इनके आधार पर हम देखते हैं इनके अगला पॉइंट आइए इसके आधार पर इनके देखते हैं लाइफ साइकिल तो लाइफ साइकिल में प्रायः इनका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है क्योंकि यह निरंतर क्रियाएं होती रहती है इसके बाद देखते हैं इनके चलन अंग में स्क्यूडोपोंडिया, फ्लैजिला और सीलिया नामक अंग पाई जाती है जो इनके चलन अंग कहते हैं इनके आधार पर देखते हैं इनका रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन शरीर की सतह से होता है इनमें कंस्ट्रक्शली वैक्यूल्स पानी की मात्रा का नियमन करने के लिए आसमो रेगुलेशन की क्रियाएं होती है इनमें इनके आधार पर मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि जनरल कैरेक्टर के माध्यम से इनके जीवन संबंधी समस्त महत्वपूर्ण क्रियाएं शरीर की एक ही कोशिका में पूर्व होती है तथा इनमें क्रियात्मक भिन्नता नहीं होती इसी के आधार पर हम इस जनरल कैरेक्टर के माध्यम से फाइलम प्रोटोजोआ के जंतुओं को पहचान सकते हैं क्लासिफिकेशन देखते हैं प्रोटोजोआ का तो फाइलम प्रोटोजोआ को प्रचलन अंगों के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के रूप में हमें वैज्ञानिकों के माध्यम से इनके सब फाइलम का ज्ञान हुआ है आइए इन्हीं के आधार पर देखते हैं इनका सब फाइलम का प्रथम पॉइंट प्लाज्मो ड्रोमा यह प्लाज्मोड्रोमा सब फाइलम है आइए इनके बारे में देखते हैं इनका प्रथम है चलन अंग के लिए स्क्यूडो पोंडिया और फ्लैजिला या दोनों सीलिया अनुपस्थित होते हैं और न्यूक्लियस एक या अनेक पर सभी एक ही प्रकार के होते हैं तीसरा देखते हैं तो पोषण क्रिया में स्वपोषी एवं विषम पोषी या दोनों प्रकार के पाए जाते हैं इनके आधार पर देखते हैं स्पोर स्पोर का निर्माण नहीं होता और इसके आधार पर हम देखते हैं इनके क्लास का ये सब फाइलम है और सब फाइलम के बाद देखते हैं इनके क्लास तो इनके जो क्लास हैं इनमें देखते हैं यह है मैस्ट्री गोफोरा इनके आधार पर देखिए मैस्ट्री गोफोरा में इनके लिए चलन फ्लैजिला द्वारा होता है दूसरा देखते हैं शरीर पेलीकिल द्वारा ढका रहता है और मुक्त जीवी या पर के रूप में होते हैं आइए देखते हैं इसके आधार पर यह है क्लास हो गया क्लास मैस्ट्री गोफोरा अब इसके आधार पर देखते हैं मैस्ट्री गोफोरा के देखते हैं सब क्लास आइए सब क्लास की बात करते हैं यह है फाइट्रो मेस्ट्रीजिनी यह है सब क्लास आइए सब क्लास की बात अगर करते हैं तो इसमें चलन के लिए एक या अधिक लंबे फ्लैजिला होते हैं और अधिकांश में क्लोरोफिल युक्त क्रोमो क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं अतः पोषक के रूप में इनमें होलोफिटिक पादप सामान पाए जाते हैं इनके आधार पर देखिए किस प्रकार की इनकी क्रियाएं होती है यह है सब क्लास फाइटोमेस्ट्रीजीनी यह इनके सब क्लास आइए सब क्लास के बाद देखते हैं इनके ऑर्डर की बात करते हैं इनमें मुख्य रूप से पांच ऑर्डर पाई जाती है आइए इसके ऑर्डर की बात करते हैं पांच ऑर्डर पाई जाती है आइए इनके फर्स्ट ऑर्डर की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर है क्राइसोमडीना और दूसरा है क्रेप्टो मोनेडीना और तीसरा है युगली नाइडीना और चौथा है फाइटो मोनेडीना और इनमें पांचवा है डायनोफ्लैजिलेंटा ये पांच इसमें सब ऑर्डर है ये ऑर्डर है ये सब क्लास के अंतर्गत ये पांच ऑर्डर इसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम तीसरा पॉइंट में ये सब क्लास बी सब क्लास बी में देखते हैं जूमेस्ट्री जीना जूमेस्ट्री जीना देखते हैं सब क्लास में बी सब क्लास इनमें अगर देखते हैं तो क्रोमेटोफोर अनुपस्थित होता है और इसमें पोषण के लिए होलोजाइक या सेम्प्रोजाइक पाए जाते हैं और फ्लैजिला एक या अनेक होते हैं और इनमें रिजर्व फूड ग्लाइकोजन के रूप में पाए जाते हैं और इनमें लैंगिक अवस्था अज्ञात होती है इनमें देखिए कि मुख्य रूप से परजीवी या सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं इनमें देखते हैं हम ऑर्डर की अगर बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से छह ऑर्डर पाई जाती है पहला ऑर्डर देखते हैं राइजोमेस्ट्रीजीना दूसरा ऑर्डर देखते हैं कोएनो, एनो तीसरा ऑर्डर देखते हैं प्रोटोमोनेडीना चौथा ऑर्डर देखते हैं ड्रिप्लो मोनोनेडीना और पांचवा ऑर्डर की बात करते हैं तो ट्राइको मोने, ट्राइको मोने और छठवा ऑर्डर की बात करते हैं हाइपर मैस्ट्रीजीना के रूप में पाई जाती है आइए इनके आधार पर देखते हैं इनके क्लास सेकेंड क्लास तो सेकेंड क्लास की बात करते हैं सेकेंड क्लास यह है इनके सेकेंड क्लास देखिए सेकेंड क्लास में यह है सरकोडीना ये सरकोडीना है इनमें देखिए कि भोजन संग्रहण तथा चलन स्क्यूडोपोडिया द्वारा होता है और इनके आधार पर दूसरा है पोषण होलो जाइक अथवा जीव के समान होते हैं इसके बाद स्पोर निर्माण तथा कंजुगेशन अनुपस्थित होते हैं और चौथा है अधिकतर मुक्त जीवी तथा कुछ पैरासिटिक भी होते हैं पांचवा है इनमें शरीर अनवृत अथवा ब्राह कंकाल या अंत कंकाल उपस्थित होते हैं इनमें देखते हैं सब क्लास ए सब क्लास ए की बात करते हैं जिसका नाम है राइजोपोड़ा राइजोपोडा ए राइजोपोड़ा का चार सब क्लास है पहला सब क्लास है लोबोसा दूसरा है टै टैक्टेसिया और तीसरा है फोरा मिनीफेरा और चौथा है माइसीटोजोआ ये इसमें मुख्य रूप से चार ऑर्डर हैं और इस सब चार ऑर्डरों के आधार पर सब क्लास बी अगर देखते हैं सब क्लास बी की बात करते हैं तो एक्टिनोपोडा एक्टिनोपोडा है ये सब क्लास बी और सब क्लास बी में दो ऑर्डर पाई जाती है पहला ऑर्डर का नाम है हेली योजोआ और दूसरा ऑर्डर का नाम है रेडियो लेरिया यहाँ पर देखते हैं इनके आधार पर देखते हैं कि क्लास तीसरा यहाँ पर देखते हैं क्लास तीसरा की अगर बात करते हैं ये देखिए तीसरा की यहाँ पर क्लास थ्री यहाँ पर देखते हैं क्लास थ्री तो ओपे लाई नेटा यह यह पुराने मत के अनुसार ओपेलीस को प्राइम प्राइमेटिव सिलियनटस मानकर क्लास प्रो, प्रोटो प्रोटोसिलियंटा में रखा गया है किंतु वैज्ञानिकों ने अब इस मत के पक्ष में नहीं दिया कुछ लेखकों ने इन्हें हाल ही में क्लास मैस्ट्री गोफोरा के के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है लेकिन इस अवस्था की बजाय अन्य लेखक पहले अवस्था में अनेक अधिक पक्ष करते हुए किंतु वर्तमान में वैज्ञानिकों के द्वारा ओपेलीडिनस को एक विशेष समूह के रूप में मानते हैं तथा इन्हें अब अलग क्लास सब क्लास ओपेलाइनेटा के अंतर्गत रखा गया है आइए देखते हैं इनके अंतर्गत यहाँ पर देखिए तीसरा है ओपे लाइनेंटा इनके मुख्य रूप से बताए गए एक ऑर्डर पाए जाते हैं उनका नाम है ओपे लिनीडा ये इनके ऑर्डर के नाम हैं यहाँ पर देखते हैं हम चौथा देखते हैं यहाँ पर चौथा वो है स्पैरो इस अगर इस्पैरो की अगर हम बात करते हैं तो इनमें देखिए यह निंतन रूप से एंड्रो पैरासाइट्स अथवा अंत परिजीवी होते हैं उनके बाद सीलिया फ्लैजिला अथवा पोंडिया अनुपस्थित होते हैं और तीसरा में दिया गया है इनके आधार पर कि पोषक पैरासिटी पाई जाती है ये इनके आधार पर है ये ठीक है अंत परिजीवी के रूप में पाई जाती है इनके आधार पर देखते हैं सब क्लास की बात करते हैं सब क्लास ये हैं रेंडिया, है सब क्लास, देखिए यह सब क्लास है रेंडिया, करके हैं यहां पर देखिए इसमें मुख्य रूप से बताया गया है तीन ऑर्डर पाए जाते हैं देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड यह तीन ऑर्डर पाए जाते हैं यह तीनों ऑर्डर का नाम मैं बता देता हूँ आप लोग को ग्री नीडा और दूसरा का है कॉक्सीडिया और इसमें तीसरा है होमो इसमें तीन ऑर्डर हैं यहाँ पर तीन ऑर्डर के आधार पर देखिए कि इसमें एग्जाम्पल के रूप में प्लाजमोंडिया का दिया गया है और इस प्लाजमंडिया के आधार पर इसमें सब क्लास मुख्य रूप से वन टू थ्री फोर यहां पर चार सब क्लास के रूप में दिया गया आइए इसके सब क्लास की अगर बात करते हैं तो इनमें कौन कौन सी पाई जाती है आइए देखते हैं बी पैरो प्लाज्मिया सी स्पोरेंडिया डी एनिडो स्पोरेंडिया और ई है प्लाजमेंडिया ई के रूप में यहाँ पर व्यक्त है इसके आधार पर इनके क्लासिफिकेशन किया गया है आइए देखते हैं अगला ये सीलियोफोरा यहाँ पर एक सीलियोफोरा करके इसके फाइलम की व्याख्या किया गया है आइए मैं आपको बताता हूँ कि सीलियोफोरा क्या चीज होता है सीलियोफोरा में फर्स्ट बताया गया है कि सीलिएटा फर्स्ट क्लास बताया गया सिलियंटा उसके बाद है सिलियंटा के बाद होलोट्राइका होलोट्राइका ये होलोट्राइका उसके बाद बी देखते हैं पेरी ट्राइका उनके बाद इनका सी है एक्टोरिया और उसके बाद डी डी है ट्राइका के रूप में यहाँ पर ए बी सी और डी ये है सीली, ओ, फोरा के सब क्लास की व्याख्या किया गया इसके आधार पर मैं आपको बताना चाहूँगा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ यहाँ पर देखिए कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ जो मुख्य रूप से यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर यूजफुल प्रोटोजोआ हॉर्माफुल प्रोटोजोआ के रूप में ये है यूजफुल जिसे हम लाभदायक प्रोटोजोआ है और एक हानिकारक प्रोटोजोआ है आइए इसके आधार पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें लाभदायक प्रोटोजोआ के बारे में स्वच्छता के लिए उपयोगी प्रोटोजोआ भोजन में भाग भागीदारी और महासागरीय ऊर्जा तथा प्रोटोजोआ जीवाश्म के रूप में और चौथा है सहजीवीय प्रोटोजोआ यहाँ पर देखिए सहजीवीय प्रोटोजोआ के रूप में इसके बाद हानिकारक प्रोटोजोआ में यहाँ पर देखिए जल प्रदूषण जल प्रदूषण दिया है मृदा मृदा प्रोटोजोआ उसके बाद रोगजनक प्रोटोजोआ और रोगजनक सरकी डाइन और रोगजनक स्पायरोजोआ और रोगजनक फ्ले जिलेंटा आइए इसके आधार पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि किनके आधार पर ये हानिकारक और लाभदायक के रूप में मैं थोड़ा सा इसको वर्णन कर देता हूँ आइए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ स्वच्छता के लिए उपयोगी ये असंख्य होलोजोइक प्रोटोजोआ विविध प्रकार के जलाशयों में सड़न उत्पन्न करने वाले जीवाशुओं को खाते हैं और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से जल को शुद्ध करने में सहायता होते हैं आइए इनके आधार पर मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोटोजोआ भोजन की भांति ये जो है प्लेक्टोनिया प्रोटोजोआ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य मछली एवं अन्य जंतुओं के लिए भोजन आपूर्ति के स्रोत होते हैं और संसार के महासागरों में मिलने वाले असंख्य एवं जटिल भोजन श्रृंखलाओं में ये सबसे सबसे पहली कीड़ी बनाते हैं और सीपियाँ और शिशु मछलियां अधिकतर जलवासीय कीटों के लार्वों छोटे छोटे क्रेस्टेशियाई प्राणियों कृत्रिम इत्यादियों को खाते हैं और ये सब प्रोटोजोआ को भोजन के रूप में लेते हैं इस प्रकार प्रोटोजोआ अप्रत्यक्ष रूप से शिशु मछलियों तथा अन्य जंतुओं के भोजन बनाते हैं जिनका मनुष्य अपने भोजन के रूप में उपयोग या उपभोग करता है महासागरीय ऊर्जा तथा प्रोटोजोआ जीवाश्मा इनमें मृत बेलापरती फायरोमिन फेरा रेडियो लेरिया और ही हीली ही जोवा के कंकाल जो सीलिया कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं समुद्रीय के तलिये में बैठे जाते हैं और एक प्रकार के कोमल कीचड़ एवं महासागरीय ऊर्जा बनाते हैं आइए इनके आधार पर मैं आप लोग को चौथा पॉइंट बता देता हूँ सहजीवी प्रोटोजोआ के बारे में सहजीवी प्रोटोजोआ क्या होता है कई प्रोटोजोआ दूसरे जीवों के साथ सहजीवीय रूप में पाए जाते हैं इस प्रकार इनका संगठन प्रायः दोनों प्राणियों के लिए लाभदायक होता है इसमें दोनों प्राणियों एक दूसरे पर इतने निर्भय हो जाते हैं कि वे एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते ये सहजीवीय प्रोटोजोआ के अंतर्गत है यहाँ पर देखिए एक दिया गया हानिकारक प्रोटोजोआ यहाँ पर सबसे पहले जल प्रदूषण की अगर बात करें तो यह कुछ प्रोटोजोआ जल की स्वच्छता में सहायता होती है और यही कुछ प्रोटोजोआ जल प्रदूषण में भी सहायक प्रदान करती है कुछ मुक्त पर परजीवीय प्रोटोजोआ जैसे युगलो नेफ्रीसी उनके आधार पर दुर्गंध युक्त एरोमैटिक एवं तैलीय स्रव उत्पन्न करके जल को प्रदूषित कर देते हैं जिससे जल मानव उपभोग के अयोग्य हो जाता है और समुद्र में रहने वाले कुछ जल संवेदीय डाइनो फ्लैजिलेंटा जैसे जीव जिनका कभी कभी इतनी अधिक संख्या हो जाते हैं कि उनके कारण समुद्र का जल लाल दिखाई देने लगते हैं इस घटना को ब्लूमिंग कहा जाता है और समुद्र में प्रायः देखने वाले लाल ज्वर इसी के कारण उत्पन्न होते हैं मृदा प्रोटोजोआ कुछ प्रोटोजोआ मिट्टी के अंदर रहते हैं जो मिट्टी में नाइट्रोजन को स्थापित करने वाले जीवाणुओं को खाते हैं इस प्रकार इन जीवाणुओं की सक्रियता कम हो जाती है जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है इसके आधार पर देखिए कि रोगजनक प्रोटोजोआ क्या चीज होता है ये प्रोटोजोआ जो, जो मानव तथा अन्य जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं रोगजनक प्रोटोजोआ कहे जाते हैं ये प्रोटोजोआ के सभी वर्गों में मिलते हैं आइए इन्हीं के आधार पर पहला देखते हैं रोगजनक सर्किडाइन ये परजीवीय अमीबा के दो सामान्य वंश एंटा अमीबा और एंटा अमीबा है जो मनुष्य तथा अन्य जंतुओं के आँत में रहते हैं एंटा अमीबा की केवल दो जातियां मानव तथा अन्य स्थानधारियों में मिलते हैं ये एंटा अमीबा हिस्ट्रोलिटिक और ये शरीपों में मिलने वाली एंटा इन्वेंटेज गंभीरता रोग जनक होते हैं एंटा अमीबा हिस्ट्रोलिटिक मनुष्य में अमीबीय पेचिस एम इी एन सी के लिए उत्तरदायिक और लगभग फिफ्टी परसेंट भारतीय जनसंख्या में पाई जाती है इनके आधार पर देखिए रोगजनक स्पैरोजोआ प्रोटोजोआ का अधि वर्ग स्पैरोजोआ संतान के रूप में परजीवीय अद्यपि स्पैरोजोआ का अधिकांश संख्या हानिकारक नहीं है अद्यपि प्लाजमोडियम आइमेरिया आइसोस्पैरा अधिकांश ये जीव हैं जो मनुष्य के को हानिकारक प्रदान करते हैं इसके बाद रोगजनक फ्लेजिलेंटा इसमें होता है लिसा मैनिया और ट्रीपैरनोइसोमा हिस्ट्रोमोनास और ट्राइकोमोनास ये नामक जीव होते हैं जो जो रोगजनक जातियां परजीवीय जीव फ्लेजिलेंटा लिसा मैनिया नामक रोगजनक तीन जातियां मनुष्य में भयंकर रोग उत्पन्न करने वाले के अज्ञात होते हैं जिन्हें रोगजनक फैलजिलेंटा परजीवीय जीव के रूप में जाना जाता है ये इसी के आधार पर होता है कि फाइलम प्रोटोजोआ के कुछ पर जीव हमारे दैनिक जीवन के उपयोगी होते हैं और कुछ जीव हमारे दैनिक जीवन के हानिकारक होते हैं